बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम अंतिम चरण में है और सही कहूं तो दीक्षित जी ये सवेरे वक्त जो ये गीत गाया है ये तर्ज गाई है आपने निश्चित रूप से ये सुबह की ही प्रहर की है। इसमें थोड़ा सा भैरवी का पुट लगा हुआ है और ये भैरवी सुबह ही गाया जाता है। आवाज बढ़ाओ हो हेलो। देखो भैया रात भर हम और ने जान लगा दी अब ना कंजूसी करो तुम्हें तो करंटा मिल रहा हूँ हमें हमारा तो निकारा रहो तो कंजूसी ना करो आखिरी अंत भला सो सब भला है? ओ, 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 भोर भए भोर भए गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो क्या बात है बहुत बढ़िया विषय का गीत आया है और अब चूंकि बात ये आ गई है कि विप्रधेन सर इनको हम नहीं मारते आखिरी में आखिर हैं तो राम के भाई लक्ष्मण जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर आया कि हम इनको नहीं मारते हैं इसलिए हमने सर झुका रखा है तो परशुराम जी काहे के लिए विवाद करें भी मतलब कि बच गए हैं बुढ़ापा है लक्ष्मण नहीं तो मालूम अभी क्या कह रहे थे बोले अकेले में मिलना हम कि यार हमें घर भी पहुंचने अब और रास्ता में तो कोई ना हाथ लगा है तुम अकेले में मिल जाओ तो अब हमारा तो बुढ़ापा और तुम नहीं लड़का आए अब अरे अरे इस दिल में का दर्द छुपा रखा आपका दर्द सब ताव ना देवो आओ यार बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से जान बची नहीं तो दो ही भैया देवे जब ये बात आ गई विप्रधेन सर संत हित लीन मनुज अवतार तो अब बाबा जी रार मठानो जबरदस्ती बच गए और उन्होंने कह भी दिया लक्ष्मण जी ने के सर को झुका रखा है। अब देखिए बाबा जी का भाव बदल गया कैसे बदला क्योंकि बीच में राम बोल पड़े झुके सर में वार नहीं करते राम बोल पड़े अरे बोल पड़े हैं बोल पड़े हैं बीच में राम
के प्रेम प्रगाढ़ बना रखा ये। प्रेम जो प्रेम में आनंद है, रार करने में आनंद नहीं है। प्रभु राम ने ये बात कही तो दोनों के समझ में आ गया, दोनों के समझ में आ गया तो परशुराम समझ भी गए कि ये साधारण नहीं है राम, ये साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। तो बोल पड़े हैं बीच में राघव, प्रेम प्रगाढ़ बना रखा है। बात जहां थी दिल के जैसी, बात जहां थी दिल के जैसी, उसको ताड़ बना रखा है। क्योंकि हम विषय में जो क्रम चल रहा है उससे हम हट नहीं रहे, क्योंकि आपने भी एक मुहावरा लगाया है कि बात तो ये है राई जैसी, बात तो ये है राई जैसी, तुमने पहाड़ बना रखा है, आपका आपकी पंक्तियां हैं, तो फिर मुहावरा लगाना जरूरी है, तभी वो बात पूरी होगी। तो अरे बात जहां थी दिल के जैसी, उसको ताड़े बोले रघुराई है, बोले रघुराई है, वचन सुखदाई है, धरा पर ब्राह्मण की प्रबल प्रभुताई है, प्रबल प्रभुताई है, प्रबल प्रभुताई है। और कहा प्रभु श्री राम ने, परशुराम जी से स्वयं कहा, सुनो ऋषि राई है, सुनो ऋषि राई है, बोला जो भाई है, सुनो ऋषि राई है, बोला जो भाई है, क्षमा उसको करे तो बड़ों की बड़ाई है। होता अभय प्रदान, अरे होता अभय प्रदान। हे परशुराम जी, हे परशुराम जी, स्वयं राम कह रहे हैं, यानी ब्रह्म कह रहे हैं। परशुराम जी समझ गए, कहा राम ने कि कृपा आपकी हम पर ऋषिवर, मान हमारा, अरे आता शरण जो विप्र आपकी, होता अभय प्रदान, अरे होता अभय प्रदान। दीक्षित जी, जय हो। अगर आपका सफल हो गया है कार्यक्रम आज का, पूरी रात बढ़िया गाया, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया तो सफल हो गया, मुझे भी गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है, और ये 500 नहीं है, मेरे लिए ये कई हजार गुना 500 है मेरे लिए, और आपका सफल हो गया कार्यक्रम तो मेरा भी सुसफल हो गया है, मेरा भी सुसफल हो गया है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। अब सवाल यह है कि आप तो रख लेंगे छुपा के, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरुवर ने
मुझे जो वर दीना, गुरुवर ने मुझे जो वर दीना, उसको उर में बसा रखा। अब आप तो ले जाके छुपा, कहाँ छुपाओगे? मेरी समझ में नहीं आता। तिजोरी में रखोगे, ले जाएंगे, बक्सा में रखोगे, तो निश्चित है ऐसी आदत होती है, बहू कभी ना कभी चाबी ले लेगी, वो चाबी उसके पास होगी तो बहू निकाल लेगी, फिर क्या करोगे? पुनः गुरुदेव की तरफ से ये 500 मुद्राएं मुझे आशीर्वाद के रूप में है, लेकिन मैं न घर में छुपाऊंगा और न श्रीमती जी को दूंगा, हालांकि जाना उन्हीं के पास है लोक रीत की, क्योंकि वो अर्धांगनी है, उसको देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, अपनी तिजोरी में रख लूंगा, तो वो वहीं जाएगा जहां उसका हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता कि बहू क्यों लेगी, लेगी, लेना चाहिए, चूंकि अर्धांगनी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उर में छुपाऊंगा तो ये तो चला जाएगा अर्धांगनी के पास, लेकिन जो इसकी कृति है, जो इसकी प्रकृति है, जो इसकी आकृति है, वो मैं अपने हृदय पटल में छुपा के रखूंगा, बसा के रखूंगा। तो बस इतना कहूंगा, गुरुवर ने मुझे जो बर दीना, उसको उर में बसा रखा है, उसको उर में बसा रखा भगवान राम के वचन हृदय में समा गए परशुराम जी के, और हुआ क्या? वचन मन भाए हैं, समझ गए परशुराम जी, और उनका हृदय परिवर्तन हुआ गुरु जी की तरफ। अरे क्या बात, सुरेश बेटा, बस हो काम, आधे बटवा लेंगे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरु जी के तरफ से सुरेश को भी वही वरदान मिल गया जो हम दोनों को मिला, 500 एक पत्र मुद्रा है। गुरु जी ने वरदान भी दे दिया, आशीर्वाद की कामना हम सभी करते हैं गुरु जी से। बचन मन भाए हैं, हृदय हर साए हैं, ब्रह्म ही धरती पर अर रूप धर आए, हृदय परिवर्तन हो गया परशुराम जी का, वो समझ गए कि ये साधारण नहीं है, असाधारण है, केवल मनुष्य का रूप धर के आए जरूर हैं, लेकिन साक्षात ब्रह्म ही अवतरित हुए हैं। इसलिए उन्होंने किया क्या? धनुष जो लाए हैं, धनुष जो लाए हैं, प्रभु को कहाए हैं, धनुष जो लाए हैं, प्रभु को गहाए हैं, चाप उस धनुआ की प्रभु जी चढ़ाए, प्रभु जी चढ़ाए, प्रभु जी चढ़ाए। राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेहू। ये चौपाई आती है, और यहीं पर हालांकि ये पूरी लाइन कहता हूं मैं, चाप धनुष जो लाए हैं, प्रभु को कहाए हैं, चाप उस धनुआ की प्रभु जी चढ़ाए।
झुकाया परशुराम ने। देखिए ये होता है विषयवत, कितना मर्यादित विषयवत आज का हुआ है। मैं कल्पना नहीं कर रहा था कि आज का ऐसा जब विषयवत जवाबी होगा कि अगर उधर लक्ष्मण जी का मन परिवर्तित हुआ, उन्होंने भी सर झुकाया, तो परशुराम को सर झुकाने में कोई शर्म नहीं है। तो अर शीश झुकाया परशुराम ने, शीश झुकाया परशुराम ने, दूर हुआ संदेह, दूर हुआ संदेह। तब हुआ क्या, अरे भृगुपति धाये तप के खातिर, भृगुपति धाये तप के खातिर, मन हरि नाम बसा रखा है। और बात जहां थी तिल के जैसी, उसको ताड़ बना रखा है। लेकिन जब भृगुपति धाये तप के खातिर, मन में हरि को बसा रखा है, और जब हरि को बसा रखा है तो अरे हरि ने अपने निज भक्तों को, हरि ने अपने अरे सब भक्तों को, देखो कैसे नचा रखा है, देखो कैसे नचा रखा। जय जयकार मचा रखा है, जय जयकार मचा रखा है। मंगल भवानिया मंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, गुरु दरबार लगा रखा है, गुरु दरबार लगा सब भक्तों पे लुटा रखा है। परशुराम ने लखन लाल को भी सीने से लगा रखा है, बोलिए लखनलाल की, परशुराम भगवान
की सबकी जय जयकार हो, ऐसा ये दरबार हो। और अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, अभी